दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। सिर्फ किसी मेडिकल इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है, लेकिन तमिलनाडु के मुदुवरपट्टी गांव में हजारों लोग जमा हो गए। क्यों? जल्लीकट्टू सांड के अंतिम संस्कार के लिए। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शिवरूर का ये वीडियो ट्वीट देखिए। घटना को लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। 15 अप्रैल को डीएम टीजी विनय ने बताया कि सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3000 केस दर्ज किए गए हैं। फोटो और वीडियो के आधार पर लोगों को पकड़ा जाएगा। तमिलनाडु भारत के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से है। राज्य में कोरोना के 1242 केस देखे गए हैं। 118 लोग चंगे हो गए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है। अब जाते जाते जल्लीकट्टू भी क्या होता है ये समझ लीजिए। जल्लीकट्टू बहुत पुराना खेल है। इसमें सांड से कुश्ती की जाती है। उसे काबू करने वाला विजेता माना जाता है। जीतने वाले के लिए ये उसकी ताकत का सर्टिफिकेट होता है। देखने वालों को इसमें मनोरंजन मिलता है। खेल को और उत्तेजक बनाने के लिए सांड को नशा दिया जाता है, शराब, ड्रग्स सब। उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो सांड को चोट पहुंचाते हैं ताकि वो और भड़के। इतना भड़के हुए और मजबूत सांड पर काबू पाने वाला असली मर्द माना जाता है। जानवरों की परवाह करने वाले कुछ संगठन इस खेल पर बैन लगाने की मांग करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था। तमिलनाडु के लोग नहीं माने, मगर सड़कों पर उतर आए। हिंसा होने लगी। जल्लीकट्टू मरने मारने का सवाल बन गया। ये संस्कृति और आस्था का सवाल बन गया। कमल हासन और रजनीकांत जैसे तमिल सुपरस्टार्स ने भी जल्लीकट्टू का समर्थन किया था। स्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि जल्लीकट्टू को फिर से हरी झंडी मिल गई। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। सांड के ब्रीड में से जो सबसे अच्छा होता है उसे जल्लीकट्टू खेल के लिए तैयार किया जाता है। जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले सांड के प्रति लोगों की आस्था होती है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।